सैलरी रिवीजन, नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और ऑफिसर्स के लिए काम के घंटे निर्धारित करने जैसी मांगों को लेकर शुक्रवार 31 जनवरी और शनिवार 1 फरवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। सैलरी रिवीजन, नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने और ऑफिसर्स के लिए काम के घंटे निर्धारित करने जैसी मांगों को लेकर 2 दिन के लिए बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। शुक्रवार को हड़ताल की शुरुआत हुई। शहर के कस्तूरचंद पार्क परिसर स्थित पंजाब नेशनल बैंक मुख्यालय परिसर में सभी बैंक कर्मचारी एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया। इस हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के तले नौ ट्रेड यूनियन शामिल हुई है। आज तो अभी हमारा 2 दिन का हड़ताल है, 21 और कल का। उसके बाद में हमने ऑलरेडी प्रोग्राम डिक्लेयर किया है, यदि हमारी मांगे मानी नहीं गई, 12 जो मांगे हमने रखी है, तो हम लोग हमारे जो आंदोलन चालू रहेगा। वर्क टू वेल हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, वो कंटिन्यू रहेगा। और 11, 12, 13 मार्च को हमने ऑलरेडी 3 दिन की हड़ताल डिक्लेयर की है। उसके बावजूद अभी सरकार नहीं मानती, आईडिया नहीं मानती है, तो 1 अप्रैल 2020 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। तो हम लोगों ने जो विलफुल डिफॉल्टर है और जो लोगों ने बैंकों का पैसा डुबाया है, पब्लिक सेक्टर बैंक का, जो बड़े कारोबारी है, उनके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सालों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको विलफुल डिफॉल्टर करके घोषित किया जाए, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। जो लोगों ने बैंकों का पैसा गबन किया है, हमारे जो कंटिन्यूसली मांग रहे हैं, हमारे जो अपेक्स बॉडी है ऑफिसर्स एसोसिएशन की, आईबॉक की, ये कंटिन्यूस मांग रही है, ये डिमांड रही है कि जो विलफुल डिफॉल्टर है उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमारा मानना है कि कोई खेत में काम करने वाला मजदूर या कोई छोटा दुकानदार या कोई नौकरी करने वाला छोटा जो लोन लेता है, वो कभी बैंकों का पैसा डुबाता नहीं है। जो बड़े जो उद्योगपति है, चाहे फिर सरकार की गलत पॉलिसी होंगी या फिर नियत होंगी उद्योगपतियों की, उसकी वजह से पैसा डूबा है, तो वो पैसा उनकी तरफ से वसूल किया जाए। जो हमारे जनसामान्य जो लोग हैं, भारतीय के जो नागरिक है, उनका पैसा है, वो पैसा वसूल किया जाए और उसकी वजह वो पैसा वसूल करके पूरा एनपीए रिकवर किया जाए, ताकि बैंक एक सशक्त, जो नेशनलाइजेशन का जो उद्देश्य था बैंकों का, जब 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ है, कि बैंक गांव गांव में बैंक पहुंचना चाहिए लोगों को, जो लास्ट टू द लास्ट पीपल ऑफ द कंट्री बैंक शुड रीच, ये जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य सफल हो। जब तक पूरा रिकवरी नहीं होगा, जो उद्योगपति जो जैसा विजय मल्या है, नीरव मोदी जो बाहर जाके बैठे हैं, उनकी तरफ से जब तक रिकवरी, ऐसे लोगों की तरफ से जब तक रिकवरी नहीं होगा, तब तक बैंकों की हालत सुधरेगी नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।